अच्छा चलो ठीक है लगाओ हाँ, फिर हाँ तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और आई होप यू बी गुड और आई होप थिंग्स विल बी गुड एट योर एंड दूसरी चीज़ ये कि आज हमने आपको थोड़ी सी जहमत इसलिए दी है कि माशाल्लाह यू आर यू आर बेसिकली पार्ट ऑफ सिस्टम राइट नाउ यू आर इंस्टीट्यूट और आप इंस्टीट्यूट में फ्लाइंग ग्राउंड क्लासेस भी करा रहे हैं आई बिलीव और साथ साथ एम ई भी हो रहा है तो मेरे पास अभी तक जो है ना क्यूरीज आती हैं बच्चे आते हैं मेरे पास मेरी वीडियोस देखते हैं पुरानी जो मैंने 2017-18 में की थी देर क्वाइट आउटडेटेड डेटेड दीज थिंकिंग ऑफ अपडेटिंग दैम बट मैंने सोचा कि चलो इट्स इट्स टू हैव समन फ्रॉम सिस्टम राइट नाउ And working with the you know the people and working with the environment ke is on ground realities कर, it's better not it's, uh, no one better than zainbai to explain all those things. So zainbai, thank you once again. institute. So basically, Bilal, first of all, thank you for the introduction. Uh, talking about the system, it's not easy to work in Pakistan, to be honest. मूविंग uh, ऑन हमने एक बहुत ही टफ़ सिस्टम के अंदर एक बहुत ही अनफ्रेंडली कल्चर और अनफ्रेंडली माहौल एंड अनफ्रेंडली मुल्क के अंदर एक ऐसी चीज का तारफ़ करवाया जिसका मुझे पहले अंदाजा ही नहीं था कि इतना गंदा काम हो चुका हुआ बिकॉज पर्सनली आई वाज मेरी एजुकेशन यू की थी और वहाँ पे मैं आठ दस साल रह के आया हुआ था And I had a dream to come to Pakistan and serve my country. So I was having a very good job over there. issue there. But few of the students came, and it's a long story. kafi I have mentioned this in my vlogs. So I came to Pakistan, and passionately I have worked on this. Having said that, this market has a lot of things that we have introduced here. और मुझे लगता है वो अभी भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं करवा रही हैं जो हम करवा रहे हैं हम छोटे हैं बट हम अखलाकियत अखलाकियत तौर पे बहुत अच्छे हैं हम छोटे हैं बट हमारी नीयत बड़ी साफ़ है हम छोटे हैं बट हमारी डायरेक्शन बड़ी अच्छी है अब ये तीन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली exactly मेरा क्या कहने का मतलब है पहली चीज़ आप पढ़ते हैं उसके प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करते हैं बी एयरक्राफ्ट इंजीनियर और बी एड बी बी ए डिग्री बोथ हैज़ देर ओन प्रैक्टिकल डिग्री फिर मी अगर आप मेरे पास एक डिग्री लेके आते हैं uh, uh, you know, लोग करते हैं hmm. तो मैंने भी ऑर्ट जॉब की मैं एच आर वहां पर रहा तो मेरी ट्रेनिंग हो गई एच आर की भी जब ऑर्ट आप सीवी uh, ले के आते हैं तो अगर सीवी के अंदर कुछ प्रेजेंटेबल चीज ना हो ना तो वो मेरे लिए कागज का टुकड़ा बन जाता है और आपकी डिग्री तो एक फजूल फजूल चीज बन जाती है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर मुंह उठाकर एम बी बी ए निकल आएगा उधर से मास्टर्स वाला निकल आएगा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है यहाँ पे मतलब आप गधों की तरह पढ़ाई जा रहे हैं गधों की तरह डिग्रिया दी जा रहे हैं बट उस बच्चे पे काम नहीं कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान के मुशी हालात क्या है आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे मतलब कोई है ही नहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जो है ना पाकिस्तान के लिए सर्व करे। हम्म अगर वो करना भी चाहे तो वो बेचारा क्या करे उसको वो अंडर एग्जांपल आपको देता हूं ना मजे की पॉलिटिकल एग्जांपल है दो के आई विल नॉट नेम द पॉलिटिकल पार्टी नाइदर देयर जो उनकी आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू दिस चीज का भी आप रेफरेंस दें जस्ट अवॉइड टेकिंग द तो हमें ऑब्वियसली बात है जो हमारा प्राइम आई मी का फोकस था वो पहला बुनियाद हमारी ये थी कि हम एयरलाइन ट्रेनिंग्स को इंडोर्स uh, करें जितना हो सकता है एयरलाइन इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू गैदर अप उसको लेके आना इज अ वेरी ह्यूज टास्क और ऑब्वियसली आई हैव सम इन मेरे कॉन्टेक्ट से तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कि मैं घुसूँ किसी चीज के अंदर अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप अच्छा करने जाओ जब बुरा करना चाहो आपको पैसे देने हैं आपका काम फिर बनेगा अब पैसे तो मेरे पास है ही नहीं क्यों क्योंकि ये कॉन्टरप्रनोर प्रोजेक्ट था ये तो बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कि जी मैं बाहर से एक हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ अच्छा जब मैं मजे की चीज बताता हूँ जब मैं उनको अपना बताता था ना कि सर मेरा ये विजन है कि मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को यह देखना चाहता हूँ आगे जवाब पता क्या आता था और वाह 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 वा, सर ये वॉट अ ब्रिलियंट आइडिया ये हमारे यंग ऑनटरप्रनोर है ये है अच्छा मैं बाहर निकलता था उनका मैनेजर आता था सर वो बस छोटा सा मसला है को पाँच दस लाख रुपया चाहिए हमें काम हो जाएगा आपका मैंने कहा सर अब मुझे समझ नहीं आई कि यार एक वक्त में मेरी तारीफ इतनी ज्यादा हो रही है मैं दस कदम बाहर जाता हूं तो कहानी बदल जाती है अच्छा एक दफा हुआ दो दफा हुआ फिर मैंने कहा यार अब मैं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मेरे जो अब ये बच्चे आ गए हैं यही मेरी मार्केटिंग करेंगे एंड चल सोच चल, I'll be able to get something एंड सी अल्लाह हेल्प मी a lot. मैं मुझे दुबई में वीडीगास मिल गई तो मेरा वहाँ पे सेक्शन खुल गया तो इट्स वेरी अनफ्रेंडली माहौल इधर काम करना मैंने आपको पहले ये बोल दिया बट हम लगे हैं आई नो देखें मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी जाना ऐड करना चाहूंगा द कंट्रीज वेयर यू गेट अनफ्रेंडली माहौल और जब आप वहां पे अनकन्वेंशनल चीजें लाना चाहें ना तो फिर क्योंकि आप जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं ना उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है ना उनकी रोजी रोटी पे हाथ डाल रहे हैं तो फिर इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा कंसर्नड होते हैं अब मैं आपको ये फॉर मी दैट्स माय माय पर्सनल विजन मैं मेरा लेट्स hmm. से ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है आई स्टार्टेड दिस इन माय अपार्ट इन माय हॉस्टल रूम हॉस्टल अपार्टमेंट रूम एविएशन वीक्स वहाँ से स्टार्ट हुआ था और इट्स मे बी टुडे नॉट गिविंग एनी इम्पैक्ट बट इट्स माई विजन के वन डे मैं पाकिस्तान में रहने वाले हर एविएशन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आई वोट टेक द नेम इंस्टीट्यूट चाहे वो इंस्टीट्यूट है चाहे वो एयरलाइन है चाहे वो सिविल एविएशन है मैं उसकी मजबूरी बन जाऊंगा क्योंकि जब आप इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ना इस पॉडकास्ट का बेसिकली मकसद ही यही है कि आप अभी रिसेंटली मेरी परसों डॉक्टर अफसर मलिक साहब से पॉडकास्ट हुई थी बहुत जबरदस्त मे बी यू नो हेम ही वर्क सिविल एविएशन फॉर मोर देन फोर्टी ईयर्स और उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर लाके उनसे बात करना तो पता चलता है कि भाई आप mm -hmm. जो है किसी बंदे से बात करें सो बेसिकली माई विजन ऑन दिस पॉडकास्ट टू ब्रिंग इंडस्ट्री पीपल उनसे बात की जाए और ऐसे नहीं कि आप किसी को भी बुला लें नो no. mm -hmm. वो बंदा जो कोई विजन रखता है या अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रहा है दैट इज वाई यू नो मेनी अदर इंस्टीट्यूट वेल बट आई रीच आउट बिकॉज आई नो ठीक है देर आर थिंग्स विच आर अनकेंशनल लेकिन ये है कि जो बंदा खलूस नीयत से कुछ कर रहा हो ना क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है मेरे होते हुए पाकिस्तान में आ, ये जो एम ई और एआसा के जो एग्जाम्स का जो स्कैम था जो एक बहुत बड़ा हाँ। इतना वो लंबा था मुझे बकायदा उसके ऊपर एक वीडियो करनी पड़ी थी और वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे है और उसमें बेसिकली मुझे मुझ बाहर कोई आके यही पूछता है आपसे कि जी अच्छा सब सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है

हम गवर्नमेंट को हमेशा ब्लेम करते हैं मेरे नज़दीक गवर्नमेंट से ज़्यादा ना यूथ में बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली पाकिस्तानी यूथ के अंदर जो अब करेंटली जो बड़ी हो चुकी हुई है वो या तो जॉब कर रही है या वो बिजनेस कर रहे हैं आई बिलीव वन नीड्स टू बी लेस सेल्फिश आई नॉट से हर कोई हर किसी को अपनी कोई सेल्फ self, सेल्फिशनेस uh, आ जाती है बट वी नीड टू बी लेस सेल्फिश एंड मोर मोर ऑफ पेट्रियाटिक कह सकते हैं

आप That's कुछ true. भी कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं आप भले एयरपोर्ट पे लगे हुए आप बैगेज हैंडलर हैं ठीक है ना hmm. लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से कर लें और आप अपने काम That's के अंदर जो है ना शौक पैदा कर लें कि यार मैं जो भी कर रहा हूं मुझे अपनी हंड्रेड परसेंट देना है सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको तीस दिन के बाद तनख्वाह मिल जाती है और आप ही। क्योंकि फिर उसमें होता क्या है हमारी कौम काम चोर है ऑफेंस टू कॉम है क्यों आप किसी को एक से दूसरा काम कह दो नहीं जी वो तो पांच बज गए मेरा तो जी टाइम खत्म हो गया ठीक जा मजे की, जी जी इसी, इसी इसी की बात है यू नो आई की टीम पता है आप मेरे कभी ऑफिस में आओ ना तो मेरा अपना कैबिन है डायरेक्टर वाला बट आई uh, मेरा एक uh, मैंने एक अपना पोडियम रखा हुआ है जो मैं इम्प्लॉयज के साथ बैठ के वहां पे Uh, काम करता हूँ एज एन एम्प्लॉय और ये जो आपकी बात है ना मेरे माशाल्लाह तीन बिजनेस है और मैंने तीनों बिजनेस के अंदर अपने ये सेम सेटअप रखा हुआ है कि मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ जाके बैठ के काम करता हूँ एन आई फील लेस ऑफ डायरेक्टर मोर ऑफ एन एम्प्लॉय और मेरी टीम इतना अच्छा काम करती है

वो हमारे साथ आके खाना खाता था वो हमारे साथ शोर भी लगाता था वो हमसे पूछता था कि हावस इवर, हावस हावस वर्क। And believe me, आपको पता है आप अपने खुद पे छोटे हो। हो हो हा, हाँ, नहीं देखें पाकिस्तान ये अगेन फिर हम बार बार यू नो रिपीट वही चीज हो जाती है अब आपने यूथ की बात की थोड़ी सी कि जी यूथ हमारी जो है वो यूथ में मसला है मसला यूथ में तो है ही है लेकिन मसला जो है ना थोड़ा उससे भी पीछे है, है। पेरेंट्स को बेसिकली, पहली बात तो ये मैं आज ही बल्कि इनफैक्ट दो दिन पहले मैं सोच रहा था मैं भी मेरे अभी, अभी, अभी मेरे जहन में आया तो मैंने खोल के जो है ना मैंने रख लिया अब ये एक स्कूल है मेरे ख्याल से कराची का है मामा पारसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल Hmm. इन्होंने को तकरीबन पंद्रह पॉइंट्स का एक जो है ना मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूंगा इन्होंने को पंद्रह पॉइंट्स hmm. का जो है ना एक आ, पेपर भेज लिख के तो अपने पे, पेरेंट्स के, पेरेंट्स के लिए भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने चीजें बताई हुई है कि आप आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना है उसमें लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स एंड देम नॉट टू वेस्ट फूड अलाउ कुकिंग लेट योर चिल्ड्रन विजिट ग्रैंड पेरेंट जेंटली करेज योर चिल्ड्रन टू रेज अचन गार्डन फिर उसके अंदर जनाब इसमें उन्होंने दिखा हुआ आप बच्चों को साथ ले के जाएं, जो है बाहर खाने के लिए लेके जाएं ताकि उन्हें जो है ना जो जैन हैं जो वेटर्स हैं उनकी इज्जत करने की है। तो मैं लिटरली ये देख के इतना खुश हुआ कि यार चलो आउट ऑफ ऑल ऑर्ड जब जहाँ बहुत सारे नौ हों उनमें एक छे नजर आ ही जाता है तो ये है कि इतना जो है ना इत, 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 इतनी अभी है पाकिस्तान में पोटेंशियल है पोटेंशियल पाकिस्तान की प, पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान के हर ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल है आज है। भी है क्योंकि मुझे पता है मी बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है वो ये है कि जब हम करने पे आते हैं हम सब कुछ कर लेते हैं दैट्स है ना भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे हमने बना लिया ठीक है पे आते हैं हम कर लेते हैं लेकिन मसला यही है कि हर हरामी कौम के अंदर इतनी आ गई है आप बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है कि जी मैं मेरे मेरे मुझे अगर कोई मैसेज करता है ना कि मैं एविएशन मैनेजमेंट कर लूं और मेरी कितनी तनख्वाह लग जाएगी मैं उसको रिप्लाई तक नहीं करता मैं उसका मैसेज जो है ना मैं वहीं से स्पैम कर देता हूं कि मुझसे मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं क्यों क्योंकि आपको अगर ये चीज़ पता ही नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी में करना क्या है आप सिर्फ जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लग के जाना चाह रहे हैं कि जी एविएशन मैनेजमेंट फलाने ने कर ली थी तो जो है ना वो क्योंकि जहाजों में होते हैं एयरपोर्ट पे होते हैं फलाना ने उसने की थी तो वो जी कतर में कतर एयरवेज में चला गया एतिहाद में चला गया तो मेरा भी नहीं हो सकता भाई एक एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही बैच में बीस पच्चीस लड़कों में जब डिग्रिया यूनिवर्सिटी बांटती है तो वो बीस पच्चीस लड़के एक ही जगह नहीं जाते हम्म हर एक का अपना अलग अलग कैलेबर है हर एक की अपनी-अपनी अलग अलग अपनी तो जरूरी नहीं है आप, आप सिस्टम को ब्लेम करें आप फिर बाद में इंस्टीट्यूट को गाँव हाँ, ये भी अच्छी बात है मैं आपको बताता हूँ uh, uh, भी एडमिशन को देखता हूँ वकास मेरा जो चीफ ऑपरेटर है उसके साथ मिलके तो हम क्या नोटिस करते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया अबाउट देयर डायरेक्शन इन द फ्यूचर उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐड लगाते हैं वहाँ से हमें इंक्वायरी आती है कि सर ये uh, हमें बनना है तो हम उनसे पूछते हैं ना अच्छा ऐसा ऐसी ऑडियंस है ऊपर लिखा हुआ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्सेस तो फिर पूछेंगे जी कौन सा कोर्स है <laughs> okay, okay, फिर पूछेंगे जी क्या क्या इसमें है चले कोई मसला नहीं हम फिर भी एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज फॉर मी देर मैं कहता हूँ बच्चे हैं हमें इनको गाइड करना चाहिए हम उनको कॉल करते हैं फी बच्चा हमारा वो सिस्टम भी नहीं है कि हम उनको कहते हैं कि आप कॉल करें नहीं मैंने कहता हूँ यार आप कॉल करो ताकि एटलीस्ट अगर उसको इस इंडस्ट्री में नहीं भी आना ना या आना है तो एटलीस्ट उसको एक ऑनेस्ट ओपिनियन चला जाए मेरे से आप पहले बात करते हैं एविएशन मैनेजमेंट की फिर हम एम की बात करेंगे फिर पायलट की बात करेंगे लेट्स लेट्स स्क्रॉल आउट एविएशन नाउ एविएशन मैनेजमेंट फॉर मी आपको पता है माशाल्लाह मेरा आ, मास्टर्स uh, भी एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट में है बट जो मैंने एविएशन मैनेजमेंट पढ़ी है ना बिलीव मी वो हलाल के सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं आप पाकिस्तान की एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री उठा के देख लो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो एविएशन मैनेजमेंट संभाल सके बच्चा मैं एयर श्याल मोहित भाई होते हैं हमारे एयर से के अंदर एविएशन मैनेजमेंट के आ, वो वहाँ पे मैनेजर लगे हुए हैं जो सारा ये मैनेजमेंट को संभालते हैं आ, मैं उनका प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होते हैं सॉरी वो तो आ, ही टोल्ड मी के मैंने उनसे बात की मैंने कहा इस तरह एवियशन मैनेजमेंट के क्या आपको लगता है इतने स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गए हैं ये एक्स वाई जी यूनिवर्सिटीज तो भर भर के दो सौ दो सौ बच्चा हर साल निकाल ली जा रहा है निकाल ली जा रहा है अब वो कहते हैं कि सर उनसे पूछना कि फ्लाइट प्लान क्या है ये क्या है फ्यूल का क्या करने के, का सेफ्टी का क्या है क्वालिटी क्या है उसके बाद आपका हाउ डू यू इम्प्लीमेंट बताऊं इधर सॉरी आपको काट रहा हूँ 2016 में आई वाज इन लाइक थर्ड ईयर ऑफ माय एविएशन मैनेजमेंट मेरी यूनिवर्सिटी में एक बंदे ने एडमिशन के लिए वो आया ठीक है

तो कहते कैसे लिखते है मुझे तो नहीं आती <laughs> 85 के बाद भी नहीं आती है यार अजीब किस्म तो का लड़का है जब उसने ये बात की तो मैंने फिर उससे उसकी जो है ना सेकंड ईयर की मार्कशीट क्योंकि वी वर असिस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एडमिशन अच्छा। तो मैंने उसकी मार्कशीट लेके देखा मुझे आज भी याद है और वो बंदा वही बंदा वही बंदा ऐसा के एग्जाम्स में भी टॉप करता आया ठीक है अच्छा और टेक्निकली वी कैन से अ गुड रटा बॉय बट हाँ, नो नो यह तो यही है सिस्टम यहां पे हाँ, चलो लेट्स कंटिन्यू मैं बागला देखो ये प्रॉब्लम है हमारे पास एविएशन मैनेजमेंट का आई गिव यू सॉल्यूशन आल्सो ऐसा नहीं है कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने रेक्टिफाई डेढ़ दो सालों में निकाल ली है एविएशन के अंदर का पहला एविएशन मैनेजमेंट का सॉल्यूशन क्या है आप हम इंशाल्लाह एविएशन मैनेजमेंट फ्यूचर में लेके आ रहे हैं बट अभी तक मैंने इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि उसका सोल्यूशन मुझे अभी तक मिला नहीं था सोल्यूशन ये है कि व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ एयरलाइन एविएशन मैनेजमेंट ओजीटी बी होनी चाहिए दिस इज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा और एक चीज अगर कोई सुन रहा है मेरी मेरी विनती है यार ये पैसे देके इंटर्नशिप देना बंद करें ये किसने कल्चर शुरू किया मुझे नहीं समझ आई बट पैसे देने खुद शुरू किया क्योंकि जमानों में भी था क्योंकि बच्चों को कोई obviously कहीं अब, अब, करने की जगह नहीं है तो वो बच्चों ने जो है ना ये करना स्टार्ट कर दिया कि जी हम पैसे दे देते हैं हाँ। इस ने काम किया था वो उस एक लेटर की लालच में हालांकि उस लेटर की भी कोई खास वैल्यू नहीं है कुछ वैल्यू नहीं होती है तो मेरी आ, हमने सेल से बात की इसी बारे में एंड कि भाई आप एविएशन मैनेजमेंट की जो है ना अभी हम सारा बना रहे हैं कि इनको किस तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं किस तरह कर सकते हैं नाउ नाउ वर ना ओवर न्यू कैंपस क्योंकि एविएशन मैनेजमेंट एक बी कोर्स है तो बी कोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स में मिनिमम चार के नाल आपको जगह शो करानी होती है mm -hmm. तो अभी वो ए रो ना ग्रोइंग स्टेज तो वहां तक हम पहुंच रहे हैं नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है पायलट एंड ए पायलट का मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं बिकॉज एक ऐसा प्रसप्शन बच्चे बच्चे के दिमाग में होता है कि जी बड़े होकर हम पायलट बनेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में तीन ही तो चीजें शौक पैदा होती हैं hmm. पायलट डॉक्टर इंजीनियर एंड hmm. पायलट मेरे ख्याल से हर बच्चे का ख्वाब पहला बनता है क्योंकि उसको oh, एक फैसिनेशन फैसिनेशन है ना अगेंस्ट द नेचर बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड जब हम पायलट की इंक्वायरी शुरू करते हैं हमारे पास ए एम ई का अगर तीन सौ बच्चा आ रहा है इंक्वायरी लेने तो पायलट का हजार आता है बट ऑल ऑफ देम आर नॉट अवेयर कि 190 घंटे के बाद जॉब नहीं मिलती है hmm. मिलती है तो हजार बारह सौ घंटे के बाद मिलती है अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको कह देता है कि भाई ये लाख का आप कर ले आपका काम हो गया दैट्स नॉट अ फैक्ट चालीस लाख का भी, भी नहीं है अब तो वो पैंतालीस का हो गया जिस तरह का फ्यूल चल रहा है लेट्स अबाउट फाइव मिलियन कोई नहीं आप पांच मिलियन दे दिया आपने उसके बाद आपने उस पर ट्विन ट्विन सॉरी उससे पहले तो आपने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स करना है फिर उसके बाद रेटिंग करनी है जी उसके बाद जाके फिर आपको इंस्ट्रक्टर कोई रख लेता तो ठीक है अदरवाइज आप अपने जो लॉग है वो पे करके करते रहे तो आपका लग गया करोड़ रुपया अगर आपको जॉब नहीं मिली फॉर एग्जाम्पल अब करोड़ अब एक बच्चा बीस साल की उम्र में शुरू होता है ये कोर्स करना करते करते वो तेईस साल या चौबीस साल का पहुंच जाता है चौबीस साल के अंदर उसने चार सालों के अंदर एक करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया अब जॉब ढूंढते ढूंढते उसको तीन से चार साल जो एवरेज होता है लग जाते हैं सात साल की इन्वेस्टमेंट एक करोड़ रुपया और पाकिस्तान में कितनी एयरलाइंस है एगेस्ट चार जिसके अंदर बीस से पच्चीस जहाज होंगे चलो मोर और लेस पैंतीस कर लो यार पैंतीस हमारे अभी उंगली पे गिन लेते हैं, हैं।, हाँ, गिन 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 हैं। सात श्रीनगर के सैतीस हो गए, हो गए। अभी से आल के तीन, चालीस हो गए और ग्यारह फोर्टी जहाज अभी तीन और फ्लाइट बना के आ जाएंगे तो फोर्टी फोर यार फोर्टी फाइव कर लो ठीक है चलो फोर्टी फाइव रेशियो चेक करो कि बाईस करोड़ वाम में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से सौ बंदों ने पायलट बनना है जिनको जॉब मिलने वाली है बाईस करोड़ वहां में से सिर्फ सौ बंदे को जॉब मिलनी है बाकी क्या करोड़ रुपया लगा के आपने करना है एक करोड़ रुपया मुझे दें आप मुझे शेयर दें अपना मैं आपको आई मी में जो है ना आपका शेयर डालता हूँ आप मेरे पे इन्वेस्ट कर दें मैं आपको अच्छा रिटर्न दे दूंगा आप एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट <laughs> के लिए जो है ना आप यू कैन यू कैन लिटरली मैं पांच कंपनी और खड़ी कर सकता हूँ अपनी मुझे एक करोड़ रुपया मिल जाए जाएली Uh, मेरी कल जो दो दिन पहले अफसार मलिक साहब से बात हुई थी अफसर मलिक सर मैं बार बार अफसार कहता कह हूँ मैंने उनसे ये बात डिस्कस की थी ना कि हमारी बाईस करोड़ की आबादी है चाज हमारे पास पचास भी नहीं है क्या वजह ऐसे ऐसी है? है। उसकी बेसिकली उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी इंशाल्लाह वंस दैट एपिसोड इज़ रेडी एंड इट्स गोना पब्लिश आई विल शेयर यू द लिंक तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ही ऐसी नहीं है कि आप कि मुल्क में और जहाज आए क्यों क्योंकि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है इट्स डेड उसमें कुछ भी obviously, नहीं इसके इसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो कि एयरलाइन का टिकट खरीद के वो ट्रैवल कर सकते हैं मिडिल क्लास आपकी श्रिंक हो रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस डॉलर आपका अभी एयरलाइंस ने डॉलर में चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए क्योंकि एयरलाइन ने अपनी पेमेंट्स डॉलर में करनी होती हैं और पी के आर इतना वॉलेटाइल है कि आप नहीं कर सकते तो एयरलाइन ने जो है जी वो अपना डॉलर में चार्ज करना स्टार्ट कर दिया अभी हाजियों को भी उन्होंने कह दिया कि जी हम आपसे हज की टिकट के पैसे जो है वो डॉलर्स में लेंगे और 800 से 2100 डॉलर तक की टिकट होगी पी पे 800 डॉलर की आई बिलीव इकोनॉमी की होगी और दो डॉलर की होगी आपकी क्लब क्लास जो इकोनॉमी एग्जीक्यूटिव क्लास की तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें फिर ऑब्वियसली आपके पास वो जो एक होता है ना सारी दुनिया में एक तरीका एक, एक चीज होती है विच इज कॉल्ड जनरल एविएशन क्योंकि एक पूरा एक वो है स्टेप बाय स्टेप एयरपोर्ट तो कर तो लिया, तो लिया अमेरिका में अमेरिका में अमेरिका में, में ये होता है कि आप अगर आपने पायलट बनना है आप अपना सी पी एल करते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं फिर आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं आवर्स बिल्ड करते हैं फिर आप जाते हैं मल्टी इंजन पे मल्टी इंजन इंस्ट्रक्टर बनकर आप आवर्स बिल्ड करते हैं फिर आप जाते हैं रीजनल एयरलाइन में जो कि डोमेस्टिकली चलती है उसी रीजन में या उसी स्टेट में चलती है फिर उसके बाद आप जाते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन में बड़ी एयरलाइन में साउथ वेस्ट हो गई स्पिरिट हो गई दूसरी बड़ी एयरलाइंस फिर उसके बाद आप जाते हैं उससे बड़ी एयरलाइन में जो कि इंटरनेशनली फ्लाई करती है और वो सारी चीजें तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है हमारे यहाँ वो जो जनरल एविएशन का गैप है वो है ही नहीं बहुत सारी जो है ना जनरल एविएशन कंपनीज ने स्टार्ट करने की कोशिश की जॉय राइड्स कराने के लिए करने की कोशिश की नॉर्थ पे लेके जाने के लिए जी कोशिश की लेकिन वो चीज पाकिस्तान में क्योंकि बाइंग पावर नहीं है ना लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है तो बाइंग पावर नहीं है लेकिन अगेन आप साठ सत्तर जो है ना लाख रुपया लगा के अगर आप समझते हैं या तो फिर आप जो है ना किसी कप्तान के बेटे हैं या आपके तल्क वास्ते हैं आप जो है ना किसी पोलिटिकल पार्टी से सेटेड हैं तो फिर तो शायद आप जो है ना कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे लेकिन अगेन उसका कोई फायदा नहीं है आपको फिर बिलाल ये जो आप बात कर रहे हो ना येड होगा हाँ, दस हजार में दस हजार भी आपने कम बोल दिए लाखों में एक बंदा होगा जिसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इधर सत्तर लाख रुपए इन्वेस्ट करे उधर जॉब ले ले हाँ। अच्छा इसका सलूशन भी हमने निकाला क्योंकि हम ये कोर्स करवा रहे हैं तो हमने आ, इसका जो सलूशन ये निकाला है कि आप जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल पायलट एफ के बाद आप मत करें आपको नीड टू अ डिग्री फर्स्ट ये बच्चे एफ एस तो और एफ के बाद एकदम सजी में पायलट भरना है जल्दबाजी मत करें आप एफ के बाद एक डिग्री करें आप बी कोई भी कोर्स कर लें देन यू ऑट फॉर दिस आ, आप अपना पायलट किए फ्लाइ मगर फ्लाइंग करने के साथ साथ इसकी कोशिश करें रहे देखिए पाकिस्तान के की जो हालात हैं इवन दो आई शुड नॉट से लाइक दिस बट मैं कहता हूँ यार आप लोग बाहर निकल जाओ भाई सत्तर अस्सी लाख रुपए लगा के ना जाओ इंग्लैंड जाओ वहाँ पे फ्लाइंग क्लास बहुत ज्यादा है

and it's a way of uh, ha getting a flying uh, it's a way of making a flying career and uh, just bande ke sath maine podcast he works for an airline based in uae i can't take the name because of obvious reasons mm. it's it's basically a fast track to the right seat of the cockpit of an airline airplane mm. how it works wow. is आप पूरी पूरी पॉडकास्ट देखिएगा यू कैन यू नो मे बी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस विद कोलाबन टू एनी अदर फॉरन क्या कहते हैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ आप कर सकते हैं बट हाउ इट वर्क इज इट दिस प्रोग्राम ये है बहुत महंगा ठीक है बट ये है कि द जॉब इज गारंटी ओके Yes. Nice. So, UAE, me, UAE mein, uh, ek hai, Aviation Academy. It's used to called Alpha Aviation, but it's now called T Terminal 3, T3 Aviation Academy. Mm. Mm. As of now, I believe the program cost is around 1, mi one million dirhams. Okay. Achha. Yes. Wow. 1 million dirhams. Almost. I'm okay. not exactly sure, but last time which I knew was that was in 2019 and it was at 600,000. हम्म उसमें ये होता है बेसिकली आप सिर्फ बेसिक फ्लाइंग करते हैं 70 घंटे ठीक है और आप स्ट्रेट चले जाते हैं सिमुलेटर पे 320 के उस एकेडमी का एक एयरलाइन के साथ कोलैबोरेशन है आप अपनी सिमुलेटर की ट्रेनिंग करते हैं और फिर आप रियल टाइम उस जहाज के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं आठ से दस दफा आप उसको टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं खाली जहाज की आपका एमपीएल कंप्लीट हो जाता है तो यू यू फ्लाई विद दैट एयरलाइन फॉर फिफ्टीन हंड्रेड आवर्स और वह फिफ्टीन हंड्रेड आवर्स में आपको एयरलाइन स्टाइपेंट भी देती है और आपको मतलब स्टाइप देती है कोई तनख्वाह नहीं देती और फिर उसके बाद जब आपके पंद्रह सौ घंटे पूरे हो जाते हैं तो इफ़ दैट एयरलाइन हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द पायलट इफ़ दे आर एक्सपेंडिंग दे हायर यू एज वेल और एल्स फिफ्टीन हंड्रेड आवर्स इन योर हैंड ऑफ एनेरबा सी थ्री ट्वेंटी एंड आफ्टर दैट

जॉब जनरेट करने के लिए एक तरीका निकाला। we, uh, we collaborated with different airlines. AME आपको पता है कि डिग्री so they, they have this thing. और ये भी पूछा जाता ये, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ना जुड़े हुए या नहीं हाँ, them, ये तो बड़े कॉमन क्वेश्चन पहले पहले हमें भी ऑकवर्ड लगता था कि यार ये कैसे सवाल है बट दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब नाउ अब हमने क्या प्लान बनाया कि यार तुम लोग बारह बारह पंद्रह पंद्रह लाख किधर भी दे रहे हो पाकिस्तान में चलो कोई नहीं बारह पंद्रह लाख देने की कुवत रखते हो तो एक काम करो इसको कर दो डबल आप लोग चौबीस पच्चीस लाख का माइंड बनाओ तीन साल पाकिस्तान में अपना यासा का कंप्लीट करो आई के थ्रू और एक साल में आपको दुबई मलेशिया यूरोप या यूके पहुंचा देता हूँ एंड वी हैव गिवन देम एन ऑप्शन यार चलो तुम्हें एक टॉप अप डिग्री की भी ऑप्शन दे देते हैं कि तुम लोग ये लाइसेंस भी ले लो साथ में डिग्री भी ले लो और साथ में इसी के अंदर एक साल की ओज भी ले लो इन्वेस्ट hmm. मोर तो एटलीस्ट टू गेट मोर एक नौ लाख का ये है मैं क्या नाम लू छोड़ो दो तीन इंस्टीट्यूट हैं एक बारह लाख का वो ये तीन साल का कोर्स करवाते हैं ना एयरलाइन ट्रेनिंग ना स्किल वर्क ना बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी ना बच्चे का कोई लेना देना कि भाई ये देखो जब आप मैं एज अ स्टूडेंट था ना जब अपनी यूनिवर्सिटी में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जाऊँ ना तो वहाँ पे कोई मेरे लिए बैठा हो मुझे तसल्ली देने के लिए एटलीस्ट कि यार हाँ हम अपनी सी दे दो मैं कुछ करता हूँ एज अ स्टूडेंट ये तसल्ली यार बहुत होती थी हमारे लिए <laughs> कि यार चलो ठीक है सी दे दी है वो इंटरव्यू एक ऐसा सिस्टम जो है ना हमने तारफ़ करवाया ताकि हमने एक एच बिठा दिया मैडम अनिला है हमारी जिसके बाद बच्चे आते हैं अपनी अनमिनिमम क्राइटेरिया हमने रख दिया है क्योंकि हम एयरलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो तो कैट कैट ए ए हमने मिनिमम क्राइटेरिया रख आप लेके आए फिर हम आपकी जॉब प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे बट द पॉइंट इज के वंस बिकॉज हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके पास कैट ए आके स्किल आपको मैं सिखा रहा हूँ एवरी मंडे स्किल क्लास के अंदर इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल है इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर मैं वहां पे भी करता हूँ टेल मी अबाउट यूर सेल्फ हाउ टू नीगोशिएट योर सैलरी एंड डिफरेंट फैक्टर्स एक पाकिस्तान में ये दो ग्रुप्स बने हुए एविएशन के कल मेरे से पूछ रहे थे कि सर फ्लाई दुबई में क्या इंटरव्यूज आते हैं मैंने उनको वो भी बताया कि भाई वो लाइन और बेस के बारे में पूछेंगे ये इतना एक्सपीरियंस हो गया बिलहाल आप यकीन करो वन आई वर्चिंग फॉर जॉब इन यू ए मेरे ख्याल से मैंने कोई अराउंड एटी टू नाइन्टी रिजेक्शन दी थी पहले क्योंकि हमें पता ही नहीं था करना क्या है हम वो पायनी स्टूडेंट्स में से थे जिन्होंने एविएशन पहले पहले किया पाकिस्तान में और मतलब मैं मैंने तो बाहर किया बट उस वक्त पाकिस्तान में किसी को हवा भी नहीं थी कि एविएशन कुछ होती है हमें ना गाइड करने वाला कोई बट वो दस साल का जो तजर्बा हमने लिया है वो आके मैं पाकिस्तान में शेयर करता हूँ एटलीस्ट इनको तो एक दो साल में इनकी कहानी मिलती है एंड फॉर अ फैक्ट आई गेस आई मी इज दी ओनली इंस्टीट्यूट जिसके दो बच्चे एमरेट्स में काम कर रहे हैं बारह बच्चे जो है हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तीन एय से में लगे हैं तीन सरीन में लगे हैं और कुछ एयर ब्लू में भी लगे हैं एंड सो so, वो, वो ये पॉसिबल कैसे होगा पहले हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये होगा बट पॉसिबिलिटीज नजर आना शुरू हुई तीन चीज़ों से वही जो मैंने अभी बात आपको की है स्किल डेवलपमेंट इनकी आ, इनको जरा सलीका एंड मेन चीज एक्सपीरियंस दे दो भाई इनको नहीं दे सकते हो अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते

एक और यूनिवर्सिटी है जो कि बड़े जोरों शोर से एक वक्त में काम कर रही थी बट अब उनके पास पिछली ये जो फॉल गई है एक स्टूडेंट नहीं आया एक इंस्टीट्यूट है छोटे लेवल का और वहां पे और उनके को पांच स्टूडेंट मेरे पास टूट के आ गए हैं और उन्होंने हमें बताया कि सर हमें आ, अप्रोच चेक करो जरा कहते सर हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डायरेक्टर साहब से मिलना चाह रहे थे तो डायरेक्टर साहब ने कहा जी एक हफ्ते का टाइम है ई लिखो फिर मिलूंगा यार तुम अल्लाह के बंदे तुम हो कौन? एक हफ्ते बाद मिलूंगा भाई मिल लो उसकी पांच मिनट की बात सुन लो क्या हो जाएगा तुम मैं भी डायरेक्टर हूँ बट मेरे अंदर तो कोई नहीं है भाई मैं बाँ, तो बहुत तो बड़ा मसला है भाई बहुत बड़ा मसला है और शॉर्ट टर्म्स के लिए मैं खुल के बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट अब बंद हो गया कोई लीगल ऑप्लीकेशन है आई आई टी जब स्टार्ट हुआ था मैं तो लिटरली समझता हूँ आई आई टी खुला ही मेरे लिए था ठीक है मैं अच्छा। बेगम को भी कहता होता हूँ कभी कभी कि भाई वो इंस्टीट्यूट मेरे लिए खुला था मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ इंस्टीट्यूट बंद 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 <laughs> लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ा रोल जो होता है ना वो होता है अग, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो कमिटमेंट के कितने पक्के हैं ठीक है और जो आप कमिट कर रहे हैं वो आप डिलीवर करें करेंगे नहीं। या नहीं करेंगे अब हमारे वक्तों में 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त ये सारी चीजें नई नई जो है ना ग्लैमराइज हुई थी अयासा के एम ई और एक यूनिवर्सिटी में जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया था जब मेरा आई में नहीं हुआ था और मैं जब नया नया गया था तो एक यूनिवर्सिटी में जब मैं गया मैं यार मैं जा रहा हूँ एविएशन मैनेजमेंट मुझे पढ़नी है मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ मैं एक आम माइंडसेट से नहीं आ रहा मुझे पता है कि भाई मेरा क्या रोल है हाँ मुझे ये नहीं पता कि मैं नौकरी करूँगा या नहीं करूँगा क्या है या क्या नहीं है बट मुझे ये पता था कि मुझे करना क्या है लेकिन क्या है कि उस इंस्टीट्यूट का उस यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट का हेड है वो मुझे किसी तरह कन्विंस कर रहा है कि नहीं तुम ऐसा कि उसमें एडमिशन ले लो तुम ये कर लो पाँच साल में तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं कह रहा हूँ भाई मेरे वैसे ही मैथ में नंबर नहीं आते मुझे नहीं लेना लेकिन वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है क्यों क्योंकि उसे पता है यूनिवर्सिटी का पैसा पैसा इसमें बनेगा ये यूरोस में <laughs> देगा तो हमारे पैसे इसमें ज्यादा बनेंगे और पता <laughs> नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ जिन्होंने अपने शौक में भी किया लेकिन क्या कि वो बस कर गए और फंस गए क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं था लिटरली मैं आपकी एक एक चीज को एडमायर करता हूँ आपके बहुत सारे ओपिनियन से रहेगा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है लेकिन मैं इस चीज़ को लिटरली एडमायर करता हूँ जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ दावत दी थी कि मुझे इस मुझे हर उस बंदे की रिस्पेक्ट है जो एक बंदे या एक बच्चे के करियर में जो उसे ऑनेस्टली हेल्प कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि भाई उसका उसको पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे ऑब्वियसली एक बिजनेस है उसने बिजनेस ने उसने बिजनेस से पैसा कमाना है लेकिन पैसे कमाने से ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर एक बंदे के मुस्तबिल की है अगर आप उससे खेलेंगे तो आप शायद पैसे तो कमा लेंगे लेकिन आप अपनी इज्जत गवा देंगे अब That's हमारा true. जो इंस्टीट्यूट था आई आई टी एज पर हालांकि वो बंदा जो था मैं उसका नाम नहीं लेता लेकिन वो बंदा कर जिस तरह आप अभी आज माशाल्लाह जो है ना बहुत एनर्जेटिक हुए हैं और एट दैट टाइम ही ऑन ऑन दैट दैट चेयर एंड ही लिटरली पुल्ड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ही लिटरली पुल्ड ऑफ ऑफ अ लॉट थिंग्स वो नो दैट लिबर्टी चौक में जो आपने जो है ना इंस्टीट्यूट लेना बहुत बड़ी बात थी जहाँ पे जो that. है ना करोड़ों सिर्फ अपने एड लगाने का देते हैं आपने पुल पुल ऑफ करके वहां पे आठ कनाल का इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उस बंदे की बदकिस्मती ये थी कि उस बंदे को बच्चे जो है ना अच्छे नहीं मिले थे और और वो बच्चे जो है ना सिर्फ क्योंकि वो एक क्या कहते हैं नॉर्मल से बैकग्राउंड से आए थे और एक बहुत ही जेनेरिक्स बैकग्राउंड बैक से आए थे तो दे डे वो वो हमारा, हमारा 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 फिर यही हुआ कि सबको छोड़ छाड़ के जाना पड़ा लेकिन स्टिल mm. वो सब छोड़ के चला गया अपनी इन्वेस्टमेंट उसने पुल आउट कर ली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन उस बंदे की सपोर्ट के साथ खड़ी रही जब तक एक एक बच्चा ग्रेजुएट होके निकल नहीं गया उन लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की एक एक बच्चे जिस जिस की डिग्री बाकी थी हर एक को डिग्री ला के निकलवा के दी कि हाँ भाई ये लो तुम्हारी डिग्री ना सिर्फ ये लिटरली आई वाज इन सऊदी एट दैट टाइम मुझे जब मेरी डिग्री मिली अब मुझे नहीं पता भाई यह टेस्ट कैसे होगी मुझे तो ये पता था कि भाई यूनिवर्सिटी टेस्ट करा के भेजती है एचीसी -E से लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि नहीं जी वो आपको खुद -E पे पोर्टल पर जाने के अपना वो करना पड़ता है मुझे नहीं पता था भाई उस वक्त की जो कैंपस की प्रिंसिपल थी मुझे उसने मैसेजेस पे एक एक बात बताई कि तुम यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाओ तुम्हें एविएशन मैनेजमेंट फलानी यूनिवर्सिटी के इसके जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है तुम्हें यहाँ से मिलेगा और फिर तुम अपनी डिग्री अटेस्ट करा लेना डिग्री एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ पीस ऑफ पेपर मेरी दराज में आज तक पड़ी है बस मुझे यही खतरा होता है कि खराब क्योंकि फट ना जाए सिर्फ मुझे डिग्री कहाँ पे काम आई है अप, क्योंकि सऊदीया में जब आप ऑब्वियसली आप आपको अपनी जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं आपको जो अगर आपको क्वालिफिकेशन दिखानी है तो फिर आपको जो है ना एम्बेसी से अटेस्टेशन और ये वो सिर्फ उस काम के लिए काम आई है बाकी सारा टाइम डिग्री मेरी दराज में पड़ी रहती है मैं जहाँ जिस जहाँ पे भी जॉब के लिए गया हूँ जहाँ भी इंटरव्यू दिया है आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा डिग्री तुम्हारी कौन सी है जब अगर किसी को बताया भी है तो आगे से यही कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो <laughs> <laughs> तो कहने का मकसद ये कि आप में लिटरली मकासद हैं अल्लाह ताला आप में आपको उनमें कामयाब करे लेकिन मेरी आपसे हमेशा यही गुजारिश रहेगी कि, कि बच्चों को जो है एक चीज दें देंच इज नॉलेज क्योंकि बच्चे आते हैं क्लीन स्लेट होके बारहवीं तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता That's और बारहवीं के बाद ही और जिस तरह आर्मी में होता है ना मेरी जो लास्ट पॉडकास्ट पब्लिश हुई थी वो एक पायलट थे उन्होंने वो पीएफ से स्विच किया था उन्होंने कमर्शियल साइट पे तो मैंने उनसे भी ये कही थी बात कि आर्मी जो है वो जंगली को जेंटलमैन बना के निकालती है चाहे वो कहीं से भी आया हो कहीं किसी जो है ना गांव से भी बंदा आया हो लेकिन जब वो आर्मी से पास आउट हो के किसी भी जगह से एयरफोर्स हो आर्मी हो गई या वो बंदा ऐसा हो जाता है कि आप जो है ना उस कि उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगा तो आप वही चीज करें और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आप कर रहे हैं ये बहुत लाजमी है इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में कभी जहाज देखा ही नहीं है आप उसको बता रहे हैं कि जी आप जहाजों पर जाके काम करने लग जाएंगे

इन्फॉर्मेशन लें इंफॉर्मेशन में तीन से चार चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं आप अपने इदारे से पूछें जी क्या आप वन फोर सेवन वाले ऑबियसली यासा अप्रूव uh, तो नहीं हो सकते हैं बट एफिलिएटेड आप कहाँ से हैं दूसरा जी आप मुझे बताएं कि आप मुझे ट्रेनिंग देंगे तीसरा आप मुझे बताएं कि जी आप मेरी स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और मेन चीज़ कि जी मेरी जॉब प्लेसमेंट में कौन मदद करेगा मैं अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता हूँ तो आप मुझे तनखा तो नहीं छोड़ देंगे एकदम से कि भाई चलो जी हो गया काम पैसे हमने पूरे करनी है नाउ यू आर आउट एंड वी आर इन न्यू बचास ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना आप मैं उनको कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि जो पीछे वाला सिस्टम है जो बच्चा हमें आके ट्रांसपोर्ट करता है वो अल्लाह हाफिज़ है तो इट्स ओके स्टिल आप uh, कभी हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करना है यू सी अ प्रॉपर डिसिप्लिन आपको नज़र आएगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं और वो जब बात करते हैं एक बच्चा मेरे पास अभी भी मुझे याद है मेरे पास अभी भी पढ़ता है वो आया हुआ है मनसहरा से वाँ, मनसहरा वाँ, और केसे? हाँ ये हंजा और ये वाले इलाके से ना लोगों का जरा लैंग्वेज बैरियर होता है उर्दू का थोड़ा सा हो जाता है तो दैट वाज नॉट गुड मैं इन uh, इंग्लिश मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी हमारी तरजीह होनी चाहिए

उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा मेरे से मैं कोई उसने अपने आप को जो है ना कमतर फील नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि हर के मैंने सबको बोला मैं कहा तुम लोग जो सारे बैठे हुए ना जो हंसा मुझे सबकी कमजोरियों का पता है तो इससे पहले मैं उसको हिट करूं तो तुम तो 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 इसकी हिट ना करना किसी भी कमजोरी पे दैट्स हाउ यू ग्रो अ सोसाइटी वेरी नाइस

आई हैव अ ड्रीम मेरी जंग ना आप यकीन करो पता मेरी जंग इनसे नहीं है यूनिवर्सिटीज ये ये और तो इनसे और मेरी जंग सर ग्लोबली नहीं ग्लोबली लोगों से है और इंडिया, से वेरी इंडिया से भी नहीं है हमारी, हमारी नहीं, जंग... ग्लोबली कह रहा हूँ मेरी जंग हमारी... इंडिया के, यासा के सिस्टम से है मेरी जंग बांग्लादेश से है की यार मेरा सिस्टम उनसे अच्छा निकले जंग से नहीं है हमारा जो हमारी जो जंग है ना वो सबसे पहले हमें हमारी अपने आप से है That's true. और फिर तो हमने, तो प्रौस प्रौस एक दफा हम अपने आप को एक दफा कर लें डिफीट कर लें तो फिर आगे तो कुछ रहता ही नहीं है ना फिर हम इन शाह निकल जाएंगे एंड लिटरली मेकिंग ऑफ दिस चैनल इज बेसिकली वॉज ने क्योंकि आप जब तक लोगों को कॉन्टेंट नहीं देंगे उस डोमेन से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड लोगों का ना तो इंटरेस्ट डेवलप होगा ना वो कभी नॉलेज हासिल कर सकेंगे क्योंकि आजकल जो है ना ये यूट्यूब का दौर है और ये ई बुक्स का और ऑडियो का दौर है अब कोई किताबें पढ़ना लोगों को मुश्किल लगता है ना इतना टाइम निकलता है अब ये पॉडकास्ट भी कोई बैठ के थोड़ी देखेगा किसी ने अपने कानों में लगा लेनी है साइड पे या तो ड्राइव करते हुए देख रहा होगा या जो है ना सुन सुनेगा कि भाई उसमें बातें क्या हैं हमारी इतनी अच्छी शक्लें हैं नहीं कि लोग हमें देख के जाना कुछ वो लेकिन ये कि वो जो सुनेगा जो बातें हुई हैं दैट इज वॉट मैटर्स